इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन ने आज अपने नए कैंपस का लोकार्पण किया। फैंटासिया मॉल में शुरू हुए इस एक्सपैंडेड कैंपस में फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े एडवांस कोर्स और ट्रेनिंग चलाई जाएगी। सेंटर के डायरेक्टर रिया दरियानी ने बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन लगातार अपने एक्सीलेंस को आगे बढ़ाने में जुटा है, जहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले फैशन डिजाइनर लैक्मे फैशन जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन INIFD ने आज अपने एक्सपांडेड कैंपस का शुभारंभ कर दिया। INIFD के CEO अनिल खोसला और अशोक दरियानी समेत कई दिग्गजों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग के सैकड़ों छात्र भी मौजूद थे। INIFD के CEO अनिल खोसला ने नए कैंपस के उद्घाटन पर सेंट्रल डायरेक्टर रिया दरियानी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि INIFD का नया कैंपस शुरू करने का मकसद छात्रों को ओपन क्लासेस के साथ कैंटीन की सुविधा देना और यूनिवर्सिटी की तर्ज पर फिजिकल और ओपन एम्बियंस का एहसास दिलाना है, जहां वे और बेहतर तरीके से लर्न और ग्रो कर सकें। 19 साल इस सेंटर को हो गए हैं और हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंटर हैं उनमें सबसे जो यंगेस्ट सेंटर डायरेक्टर है और बहुत कामयाब सेंटर डायरेक्टर रिया दरियानी, आज उसने एक्सपेंशन की है अपने कैंपस को। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि वाशी का सेंटर हमारा बहुत ही अच्छा कर रहा था काम। उसके स्टूडेंट्स चाहे वो न्यूयॉर्क फैशन वीक हो, लंदन फैशन वीक हो या लैक्मे फैशन वीक हो, उसमें अपना हुनर दिखा रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक कॉलेज का माहौल, एक जहाँ पे कैंटीन हो, जहाँ पे थोड़ा खुलापन हो, और स्पेशली कोविड के बाद उनको कुछ लग रहा था कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए हमें कि जिसमें कॉलेज की फीलिंग हो, जो बच्चों को कॉलेज मिस ना हो और क्रिएटिविटी के साथ साथ उनका एक जो स्पेयर टाइम है उसमें वो इन्जॉय भी कर सकें। तो रिया ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि आज ये एक नया कैंपस जो उसका एडिशन किया है। 4 तारीख से लैक्मे फैशन वीक का रीजनल फाइनल है और मैं चाहूँगा कि इस बार वाशी के बच्चे फिर से एक बार वो उसमें परचम लहराएँ, जीतें और लैक्मे फैशन वीक में जाएं। और ऑलरेडी ये न्यूयॉर्क फैशन वीक में इनका एक बच्चा सेलेक्ट हुए हैं और उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। बताना जरूरी है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन नोइंबई का सबसे लोकप्रिय फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां 275 से अधिक छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। सेंटर डायरेक्टर रिया दरियानी ने नए कैंपस की जरूरत बताते हुए कहा कि INIFD का मकसद प्रीमियम कोर्स और बेहतर ट्रेनिंग के जरिए छात्रों में एक्सीलेंस विकसित करना और उन्हें कैरियर बनाने में मदद करना है। इंस्टीट्यूट के दर्जनों छात्र आज लैक्मे और लंदन फैशन वीक जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ की सफलता का बड़ा सबूत है। उन्होंने फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग में कैरियर बनाने वालों के लिए INIFD को बेहतर विकल्प बताया और छात्रों से जुड़ने का भी आह्वान किया। अभी आफ्टर कोविड तो ये एटलीस्ट एक चीज़ समझ गई है, ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड बच्चों का सोशलाइज सर्कल टूट रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑफलाइन कैंपस एंड इट इज़ अ नीड ऑफ दिस आर बिकॉज स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिप्रेस, दे आर मेंटल स्टेट इज गोइंग बैड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल सर्कल एंड फॉर दैट स्टूडेंट हैज़ टू कम फिजिकली एंड फिजिकली दे हैव टू अटेंड द लेक्चर सो दैट दे कैन कम मीट देयर फ्रेंड्स, कम्युनिकेट विद पीपल, कम्युनिकेट विद वर्ल्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ऑफलाइन लेक्चर्स विद दैट थिंग वी होपफुली दिस कोविड विल कम टू एन एंड एंड वी हैव दिस डिड दिस एक्सपांशन फॉर दैट रीजन। Already there is a campus which is there and now we are expanded with this new campus in matter of like students welfare and with bigger infrastructure so that student can enjoy their learning. Bureau report, TV1 India. Latest updates aur taza tareen khabron ke liye TV1 India live ko subscribe kijiye aur notification paane ke liye bell icon ko dabana mat bhuliye.